Rakhi Sawant, who is fighting in these general elections from Mumbai Northwest constituency, has released her manifesto, which promises to work for the poor and women. Watch Rakhi talk about herself and her motives and goals. मैं पूरी देश की जनता को बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय आम पार्टी का जो अभी ऑफिशियली चुनाव चिन्ह जो मिला है, इलेक्शन कमिश्नर ने हमें ये चुनाव चिन्ह दिया है, ग्रीन चिली। अब मैं इसे हक से कह सकती हूँ कि यस, अब मुझे चुनाव चिन्ह मिल गया है और राष्ट्रीय आम पार्टी जो है उसका चुनाव चिन्ह ये है। आप सोच रहे हो कि ब्लैक एंड वाइट क्यों है, क्योंकि जब हम वोट करने जाते हैं तो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक का वोटिंग मशीन जो होता है उसमें सारे जो चिन्ह होते हैं, जो चुनाव चिन्ह, वो ब्लैक एंड वाइट में होते हैं। तो हमारी ग्रीन चिली भी ब्लैक चिली हो गई है, इसलिए। पहले इनका तो जवाब दे दूं। हेलो जी, बोलिए, आप बोलो। राखी, मैंने वही पूछा आपसे कि आपके ऊपर ग्लैमरस का एक टैग लगा हुआ है, बीइंग अ ग्लैमरस आइटम गर्ल के नाम से आप काफी फेमस थी, तो लोग आपको कितना सीरियस ले रहे हैं? बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं, बहुत लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग, जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, पुलिस कम पड़ रही है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। इतने लोग, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम, तो इतने लोग देखने आते हैं और मैं जब उनके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उनको कहती हूँ कि एक बार मुझे मौका दीजिए, तो सारी महिलाएं, सारे भाई, सारी बहनें मुझे बिल्कुल ऐसे कहती हैं कि वी विल वोट फॉर यू। तो बड़ा मज़ा आता है और अच्छा लगता है, मेरा नया एक्सपीरियंस है। और बात रही ग्लैमर की और इंडस्ट्री से आई हुई लड़की चुनाव में कदम रखने की, तो भैया मैंने ग्लैमर वर्ल्ड में आई, ग्लैमर वर्ल्ड से आई हूँ, जेल से तो नहीं आई ना, किसी बलात्कार के आरोप में तो उससे नहीं आई ना। फिल्म इंडस्ट्री से बहुत हक से कहती हूँ, आई रिस्पेक्ट माई फिल्म इंडस्ट्री, और वहाँ से आई हूँ और जनता के लिए बहुत ईमानदारी से काम करना चाहती हूँ। और बिल्कुल मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा कतरा है, जब तक मैं उनके लिए सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए चुनाव में आई क्योंकि न्यूज़ में आप रोज़ देखते हैं, आप ही लोग दिखाते हैं, मैं भी देखती हूँ हर पुलिस स्टेशनों में कि बिल्कुल महिला का कहीं सम्मान नहीं है। एक नॉर्मल महिला की तो आप छोड़ दीजिए, जो एक मीडिया में होती है, अभी कोर्ट में केस चल रहे हैं, मीडिया में एक लेडी होती है जो कैमरा, फोटोग्राफर या एंकर होती है, उनके साथ में इतनी बदतमीजी होती है, तो आप सोचिए कि कुछ लोग जो है टपोरी टाइप, जो महिलाओं को छेड़ते हैं, जिनको मैं टपोरी टाइप कहूँगी, जो उनको एंकर, एक मीडिया की लड़की, जो मीडिया होते हैं उनको डर नहीं होता, तो आम लड़की जो कॉलेज से आती है, सर्विस में जाती है, आप सोचिए कि बिल्कुल भी वो कैसी हरकतें उनके साथ करते होंगे। तो इसीलिए मैं चुनाव में आई हूँ और लोकसभा चुनाव में सांसद का मैं लड़ रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे देश की जनता और ये सुन रही है, ये देख रही है कि मैं महिलाओं के लिए कड़े से कड़े कानून बनाना चाहती हूँ। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं लड़ रही हूँ, उत्तर पश्चिम से, मेरे दिल की तमन्ना है कि मेरी हर एक एक बहन ऑटो चलाए, टैक्सी चलाए, बस चलाए, कंडक्टर बने, और मैं चाहती हूँ कि वो अपने पैरों पर खड़ी रहे, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि वो बीए बीकॉम कर लेती है लेकिन वो नौकरी क्या क्या करती है। तो बहुत हेलो, तो उनके पास रोजगार नहीं होता है, तो बस मेरे दिल की इच्छा यही है कि अब ज्यादा से ज्यादा महिला जो है अपने पैरों पर खड़ी रहे और अपने लोग जैसे जैन मर्दों के साथ बिल्कुल कदम से कदम बढ़ाकर चले। देखिए, मेरे 18 पॉइंट्स हैं, अगर आप देखें मेरे मैनिफेस्टो के 18 पॉइंट्स हैं, 18 से 19 पॉइंट है, 18-19 पॉइंट है। तो
तो ये जो भी हैं ये बिल्कुल किसी के चोरी किए हुए नहीं है। लोग यहाँ पे दूसरे एक दूसरे के मैनिफेस्टो बहुत न्यूज में बैठ बैठ के चोरी कर लेते हैं। ये मेरे दिल की आवाज है, ये मेरे जनता के लिए मेरा समर्पण है, जनता के लिए जो मुझे सेवा करनी है ये वो मेरे दिल से लिखे गए हैं। जनता कुछ हीरे जवाहरात नहीं चाहती है, जनता हीरे जवाहरात नहीं चाहती है। जनता ये नहीं कहते हमें चांद तोड़ के लाओ, सूरज तोड़ के ला दो, सितारे तोड़ के ला दो। ये छोटे छोटे जो अभी हमने कहे मुद्दे जो मैनिफेस्टो के, वही जनता चाहती है। उनको इतना मिल जाए तो वो खुश रह जाएगी और अपने जो भी नेता सेविका या MPs या MLA उनके गुण गाएगी, क्योंकि इसमें जो मुद्दे हैं बहुत जरूरी है। मुंबई में पानी, सड़क से लेकर, एजुकेशन से लेकर, BMC स्कूल से लेकर, शौचालय से लेकर, महिलाओं के उद्योग से लेकर, महिला सुरक्षा से लेकर, जितने भी जो आपने देखे हैं मुद्दे, शायद आपने आज तक ये नहीं सुना होगा कि राष्ट्रीय आम पार्टी जितने भी हमारे वार्ड है, 37 वार्ड है हमारे, 37 वार्ड में दो दो एडवोकेट बिठाएगी, दो दो एडवोकेट। वो हम सरकार से पैसे नहीं मांगेंगे, वो राष्ट्रीय आम पार्टी खुद ही वो एक्सपेंस जो है वो स्पेंड करेगी। तो हम चाहते क्योंकि महिलाएं बहुत दुखी है, वो राशन कार्ड बनाने जाती है तो पैसे मांगते हैं, पुलिस स्टेशन जाती तो पैसे मांगते हैं, अस्पताल जाती तो पैसे मांगते हैं, कोर्ट जाती है तो इतने पैसे मांगते हैं, कहीं पे भी जाती है तो पैसे मांगते हैं। तो इसीलिए एक गरीब को कभी न्याय नहीं मिलता। गरीब का जो बच्चा है वो उम्र कैद हो जाती है, गरीब के बच्चे को सजा हो जाती है और अमीर के बच्चे छूट जाते हैं। इसीलिए हमने डिसाइड किया, राष्ट्रीय आम पार्टी ने डिसाइड किया है, हमारी तरफ से हर एक वार्ड में दो दो वकील होंगे और वो उनका केस फ्री लड़ेंगे। रघी आपने अभी क्यों डिसाइड किया, क्योंकि बहुत जो आपने भी राजनीति में उतरने का जो ठाना है और आप उतर भी गई हैं, तो नहीं लगता कि बहुत समय आपने लगा दिया? ये चीज आपको पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे कि आपने पहले भी बताया कि आपके अंदर जज्बा है देश के लिए कुछ करने का, तो इतना समय राखी को क्यों लगा देश सेवा में उतरने की? क्या करूं मेरी बहन, मीडिया ने कभी मेरा वो वाला रूप दिखाया ही नहीं। मीडिया जहाँ पे मैं डांस करती थी वही आप लोग रूप दिखाओगे तो अभी मैं क्या करूँ मीडिया? और आप मेरी बहन, पूरी मीडिया जानती है कि मैं इतने कोई बड़ा स्टार कीचड़ों में उतरा नहीं, बारिशों में। मैं पहली लड़की हूँ जो कीचड़ों में जाके दिखाया सरकार को, BMC का जो प्रॉब्लम्स है वो दिखाया। आपके पास है, आप बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं कर सकते। गार्बेज पॉइंट दिखाया मैंने, मैं पिछले 7-8 साल से मैं बिल्कुल अपने एरिया में पूरा काम कर रही हूँ। और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैंने कभी राजनीति में आऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे कूदना चाहिए, क्योंकि वो नेता जो जनता उनको चुन के लाती है, वोट करती है, वो नेता तो मेरी जनता को तो मुंह भी नहीं दिखाते। वो तब मुंह दिखाते हैं जब इलेक्शन होता है, बिरयानी खिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या पिलाते हैं, कपड़े देते हैं, और रात को अभी तो जंगलों में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होगी, नोटों के बंडल बनाती होगी। अभी आज क्या तारीख होगी, 18, कल 19, 20, 21 तारीख को सबके 20 और 21 तारीख को सबको पैसा बांटना उनका शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल सच बात है। मैं कहती हूँ अगर जर्नलिस्ट मीडिया अगर सच्ची है, अगर वो भगवान का अवतार है, तो एक एक नेताओं का भांडा फोड़े, एक एक मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक नेताओं के घर घर में जाके देखें, जंगलों में जाके देखें, और लोगों के जो उनके कार्यकर्ता कैसे खिड़की में से पैकेट फेंकते हैं वो देखें, और उनका भांडा फोड़े, और फिर पूरी देश की जनता को बता दे कि ये जो हैं नोट देकर वोट कैसे जीत कर आते हैं। जी बिल्कुल, एक्चुअली आपने देखा है कि मेरी राष्ट्रीय आम पार्टी बिल्कुल 22 दिन का बच्चा है, बिल्कुल जस्ट अभी हम लोगों ने लॉन्च किया, क्योंकि हम लोग डेफिनेटली चुनाव में हमने कदम रखा, लेकिन सबसे लेट आए हैं, लेकिन लेट आकर भी हमने तहलका मचा दिया आप लोगों की दुआ से। ये अंडा है, हम लोगों ने बिल्कुल, हमारे जो यहाँ पे हमारे भाई है, भाई इधर आ जाओ ना, अंडे वाले भाई, ये इन्होंने अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं राखी सावंत को, तो हम चाहते थे कि हमारा चुनाव चिन्ह हमें बिल्कुल बहुत लेट मिला, 7-8 दिन पहले मिला, लेकिन इससे हम हिम्मत नहीं हारते। तो हमारे भाई जो आए और मैंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा चुनाव चिन्ह लोगों तक कैसे पहुंचा पाए, क्योंकि लोगों के चुनाव चिन्ह बहुत पहले से मिले हैं, मुझे मिर्च मिला है, तो कैसे पहुंचा पाए, ऐसा क्या करें कि, क्योंकि बहुत सारे लोग टीवी देखते नहीं, 24 घंटे काम करते हैं, तो मुझे वोट करने के लिए उनके दिमाग में चुनाव चिन्ह आना जरूरी है। तो हमारे भाई है, आइए आइए, डरने की जरूरत नहीं है, तो आइए। तो इन्होंने सोचा कि ये अंडा जो है, अंडे पे मेरी फोटो और चुनाव चिन्ह ये बिल्कुल लगा दिया,
और एक नई पब्लिसिटी है, ये घर घर अंडे जाएंगे, कुछ 2.5 से 3 लाख अंडे हैं इन्होंने किए हैं हमने मिलकर, तो बिल्कुल मेरी मुझे हेल्प करने आ गए। रोज सुबह अंडे तो हर घर में बनते हैं, हर घर में अंडे ऑमलेट बनता है, उसमें भी मिर्ची तो पड़ती पड़ती है डेफिनेटली। तो इन्होंने बिल्कुल अंडों पे ऐसा मेरी फोटो और ऐसा बिल्कुल मेरा चुनाव चिन्ह डाला है और घर घर जाएंगे और सबको अंडे देंगे और इस बहाने मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा और मेरी जो हरी मिर्च है चुनाव चिन्ह लोगों के घर तक पहुंच भी जाएगी। बॉलीवुड कंट्री रिपोर्ट।